I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. So back Coke Studio. और इसे कहते हैं सावर सावर आप. भाई हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि हम अब जाके हम उस जगह पे पहुंचे कि हमने सब कवर कर लिया. हम लोग दो हफ्ता गायब थे, लाइक हम लोग बाहर गए हुए थे. तो हमारा सब ऐसे पीछे पीछे बढ़ता गया. नाउ दिस इज द लेटेस्ट, एकदम फिर मिलेंगे. और हमारे लिए लेटेस्ट है मतलब वही, हमने जिस दिन यंग्स चैनल्स का ऑलरेडी डाला था, तला अंजुम का हमने डाला था, और उसमें हम बोल ही रहे थे कि लगता है यंग्स चैनल्स बहुत टाइम से दिए नहीं, सीधा वो लोग कुक स्टूडियो में आएंगे. और ये कल शाम को, आई मीन उसी शाम को आया. और ये बाप होने वाला, ये अंगार होने वाला, बिकॉज यंग्स चैनल्स एक तो साथ में विद फैजल, और हमने फैजल को देखा है. और एक चीज अच्छी भी लग रही है, कुक स्टूडियो एंड कश्मीर बीट्स की वजह से हमें बहुत न्यू आर्टिस्ट को देखने मिल रहा है, एक्सप्लोर करने मिल रहा है, जानने मिल रहा है. और वो भी एस्टैब्लिश्ड ना, सबके सब ऐसे यू नो, हमें जो लग रहा है हर आर्टिस्ट को देखने वाले से लगता है यार इनको देखा कैसे नहीं अपन ने, क्योंकि वो इतना कोक स्टूडियो ने तो ऐसा बहुत सारा दिखाया हमें. हमने ईवा बी को देखा, हमने कितने सारे को दिया, कांट इवन नेम, इतने सारे अच्छे अच्छे थे सबको. एक्जेक्टली वही तो, हम बहुत एक्साइटेड हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. फिर मिलेंगे ठीक है. फैजल कपाड़िया एंड यंग्स चैनल्स कोक स्टूडियो सीजन 14. ओहो फील आ रहा है कि नहीं? दिल के किसी कोने में ही याद तेरी ओहो मजा आएगा भाई. मैंने छुपा रखी है, छुपा रखी है. भूला नहीं तू भी मुझे, बात यूं ही मैंने बना रखी है, बना रखी है. समाया थे दिल में वो ऐसे, अनजाने तो मिलते फिर कैसे. तुम बारिश में भीगे हम बहते, समंदर किनारे जो रहते. उम्मीदें लगा के वो बैठे, जो अपनों के गम वो भी सहते. ये दुनिया तो चाहती के बहके, ये बाग सी खुशबू से महके. मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल. आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल. तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर. नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की. जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती. छाँव में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह. गुजरे दिमाग से यार तेरी लगातार लहू की तरह. अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह. तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया. तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला. खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा. तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना. तू मुझ में देखे इंसान, बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला. तू है मैं हूँ और गहरी खामोशी, हम दोनों ही नहीं सुनते जो कुछ भी ये कहती होगी. गली है दिल की तंग, अब तेरा उसमें आना ना हो. दिल के मोहल्ले में अब तेरे मेरा जाना ना हो. तू है मैं हूँ और सिर्फ फासले हैं. राबते मुनकता और मुंतजर हम आपके हैं. राजी नहीं राजदार भी क्या मांगते हम. खामियों पे पर्दे लोग कम ही यहाँ डालते हैं. हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं. हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं. दोषी में लूं नाम तेरा, तेरे लिए मैंने हया रखी है, हया रखी है. भूला नहीं मैं भी तुझे, मेरे लिए. Yeah.
जिंदगी पे लिख चुके हैं फलसफे इतनी दिल लगी कि खुद को ही ना पढ़ सके बेकदर तो दर बदर यूं बेखबर ही चल पड़े यादें खींचती हैं आगे ही ना बढ़ सके सादगी बन चुकी है बाजदी मुंतजर खड़े उसी मुकाम पे हम आज भी आज फिर तू आई नहीं आज फिर तू शायरी आज फिर तू एक गुमान याद तेरी खाएगी वो थी मेरी रजा अब दुआ बन गई ऐ मेरे खुदा क्या सजा बढ़ गई मैं जागू सारी रात वो सुबह बन गई गरज के बरसते अब ये बादल नहीं तू मेरे हर दर्द की दवा मैं धूप में खड़ा महसूस कर जरा मौसम बदलते हुए देखे हैं लोगों के बदलते रूप की तरह शामिल अब तेरे दीवानों में मिलेंगे ख्वाबों में रहते ख्यालों में उलझे सवालों में क्या तू पहचानोगे या फिर मेहमानों से कैसे भरोसा करे अब इंसानों पे तू ही ख्वाब तू ही मेरी ख्वाहिश तू ही एहसास मैं बयाबान तू बारिश मिलेंगे फिर कभी उम्मीद भी तू आस भी खुली किताब करते जख्मों की नुमाइश कहानी कहाँ खत्म होती है पूरी नहीं हर कसम होती है फिर मुझे इसीलिए इसका ये देखना है मैजिकल जर्नी भाई सारी चीजें मेरी बोलने वाली थी यार सब तू बोल बोला किसी ने नहीं सोचा रहेगा मैं खुद बोलूंगा भाई इसका मैजिकल जर्नी देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनका सेट कैसे बनाया मेरे को देखना है कितने खांचे रहेगा कितने पतली पतली गलियां रहेगी यार भाई ये क्या था उनपे जब वो स्टार्ट भी हुआ ना तो आई गेस वो जो बाहर ऐसे विंडो का वो दिखा रहे थे वाज लाइक सीजंस चेंजिंग और अलग अलग वो टाइम के बाद में भी ये फीलिंग उनकी आवाज उनके लिरिक्स डेप्थ इतना ज्यादा इसका अगेन मेलोडी क्या म्यूजिक है पीछे क्या म्यूजिक चल रहा है एंड उसमें भी वेरिएशन थे ठीक है वो पहले अलग है और बाद में अलग और स्पेशली जब वायलिन वालों का पार्ट आया हाय वैसे एक्चुअली वो बाप था मतलब वो आई थिंक गाने का स्पॉटलाइट होता स्पॉटलाइट है ना वो अचानक से लाइक हू क्योंकि सब सिंगल इंडिविजुअली चल रहा है अंधेरों में एंड अचानक से इट्स क्रेजी इसका मैजिकल जर्नी इज गोइंग टू बी समथिंग बिकॉज़ अच्छा फैजल कपाड़िया के भी ऐसे नॉर्मल आवाज भी यू नो वैसे नॉर्मली बात करते हुए उनकी आवाज में देखने मिलेंगे वो भी इतनी सूदिंग होगी यंगस्टर्स अगेन या आई लव्ड इट सेट का जो टोन रखा है थ्रू आउट और उसमें यू नो जैसे जैसे एक एक की एंट्री हो रही थी फैजल कपाड़िया की एंट्री हाय बिकॉज ही लुक्स सो गुड उनका कॉस्ट्यूम उनका सारा एक जो लुक है ना उनके लिरिक्स के साथ उनके आवाज के साथ क्या जा रहे हैं उसके बाद एंट्री होती है यूनुस की फैब अगेन एंड देन अंजुम वहां पे साइड में से बैठे हुए हैं सब सब इट्स किलर एकदम हाँ भाई सबसे मेन चीज ना रैप्स में ही ज्यादा मजा आता है एक वन शॉट चीज का एक डांसिंग थिंग में इन दो में सबसे ज्यादा बिकॉज एक रैप इज अ वेरी यू नो कंटिन्यूस थिंग उसमें जब है ना यूनुस का सेकेंड पार्ट था लाइक यूनुस का एक सेकेंड जब वो था वायलेंस के बाद में हाय उसमें म्यूजिक और वो लिरिक्स इतने ज्यादा अच्छे थे वो इतने ज्यादा अच्छे थे हाय एंड ऑनेस्टली इससे पहले लगता नहीं था कि रैप एंड
ऐसी आवाज साथ में कैसा लगेगा, सिंस हमने लास्ट टाइम भी वो एक्सप्लोर किया था, हमें उस समय बहुत अच्छा लगा था कराकोरम के वीडियोस में, वीडियो में, लेकिन आई फील ये वाला भी इतना ज्यादा प्यारा था, इतना ज्यादा मतलब एक अलग ही वाइब दे देता है जब साथ में इतनी प्यारी आवाज हो आपको बैक देने के लिए, मतलब वो रैप उनके, एक तो ये रैप में जो लिरिक्स लिखते हैं इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, मुझे कभी लगता नहीं कि हम कभी बैठे बैठे सोच भी सकते हैं ये बातें, इट इज इम्पॉसिबल कि लोग कैसे लिख लेते, सुबह लिखती है क्या कहते हैं जो एक कहते हैं ना एक गाने का जो टोन था इट वॉज वेरी डिफरेंट, जो एक फ्लो था वो बहुत यू नो एक कुछ गाने होते हैं, काफी सारे गाने होते हैं एक्चुअली जो आप सुनते हो और आप इतना सा स्लाइड कह सकते हो मेरे ऐसे सुने हुए गाने से थोड़ा सिमिलर है इसका ये ट्यून या एक टोन जो होता है एक गाने का जो फ्लो होता है, इसमें बहुत अलग लगा मुझे फैजल का, बहुत अच्छा लगा, लाइक यू नो सुबह रखी है एकदम अलग गा रहे हो पहले फारिस की बात हुई अब मैं इनकी हो रही बिकॉज ही सो गुड ही सो डैम गुड उनके, मुझे यार इसका मैजिकल जर्नी देखना है बिकॉज वो इतना एक अलग हिट अलग चीज में, हिट तो अभी नहीं करेगा तो ऐसा कोई फेज वेज नहीं कर रहा है तो हिट तो नहीं होने वाला है अभी, लेकिन एक अलग जोन में ले गया ये पूरा लिरिक्स, क्या मतलब एवरीथिंग फेल्ट सो रियल, ये लोग का थ्रू आउट ऐसा लगा था एक हमने कुछ शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ देखी जिसके अंदर इतनी सारी स्टोरीज हमने सुन ली है एक रिदम में एक फ्लो में पूरा चला है, अच्छा फ्लो था जाते हैं और वहां मिलते हैं हम, ठीक है, थैंक यू।